आईपीएल के पूर्व कमिश्नर ललित मोदी ने सोनिया गांधी और वरुण गांधी को भी विवादों में घसीटा। ट्विटर पर लिखा, कुछ साल पहले वरुण लंदन में मेरे घर आए थे, सोनिया के साथ मिलकर सभी मामलों को निपटारा करने का दिलाया था भरोसा। ललित मोदी का दावा, वरुण चाहते थे मैं इटली में रह रही उनकी चाची सोनिया की बहन से मिलूं। ललित मोदी का आरोप, एक कॉमन फ्रेंड से पता चला सोनिया की बहन काम कराने के बदले $6 करोड़ चाहती थी। ललित मोदी के दावों से वरुण गांधी का इनकार, लेकिन ललित मोदी का दावा, हमें लगा था वरुण गांधी शायद इस बात से इनकार कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास तमाम मुलाकातों की वीडियो रिकॉर्डिंग। ललित मोदी ने ट्वीट कर कहा, वरुण को बताना चाहिए कि उन्होंने अपनी चाची के बारे में क्या कहा था, पूरी घटना में एक विश्वविख्यात ज्योतिषी भी इसका गवाह। वरुण गांधी ने ललित मोदी के आरोपों को बेबुनियाद बताया, कहा 3 साल पहले पूर्व विदेश मंत्री नटवर सिंह के बेटे जगत सिंह के साथ पहली बार ललित मोदी से हुई थी मुलाकात, नहीं हुई कोई सौदेबाजी। बीजेपी ने ललित मोदी के ट्वीट के बहाने कांग्रेस को घेरा, कहा सोनिया गांधी दे जवाब क्योंकि उनकी बहन का भी नाम आ रहा है। सूत्रों के मुताबिक वरुण का बचाव नहीं करेगी बीजेपी, निजी मामला बताया, कहा खुद करेंगे अपना बचाव। जिसको कांग्रेस भगोड़ा कहती है, श्रीमती गांधी जी की बहन के माध्यम से क्या डील हो रही थी, इस पर तो कांग्रेस के मित्रों को और श्रीमती सोनिया गांधी का स्पष्टीकरण बनता उनको देना चाहिए। कांग्रेस ने ललित मोदी के नए ट्वीट को लेकर मोदी सरकार पर बोला हमला, कहा बड़े मोदी की मदद करने के लिए छोटा मोदी बीजेपी नेताओं के इशारे पर उलझलूल बयान दे रहा। सो छोटा मोदी इज कमिंग टू द रेस्क्यू इन हेल्प ऑफ बड़ा मोदी। कांग्रेस ने ललित मोदी के बहाने मोदी सरकार पर दागे 5 सवाल, कहा मोदी सरकार ललित मोदी को लेकर सभी चिट्ठियों को सार्वजनिक करे, सुषमा और वसुंधरा दे इस्तीफा। कांग्रेस ने स्मृति ईरानी पर भी बोला हमला, कहा स्मृति का पद पर बने रहना संविधान का अपमान। कांग्रेस ने लगाया मोदी सरकार पर बड़ा आरोप, कहा विकिपीडिया में नेहरू के पेज पर सरकारी एजेंसियों ने हैकिंग कर बदली जानकारी, नेहरू के दादा को मुस्लिम बताने का आरोप। 21 जुलाई से संसद का मानसून सत्र, कांग्रेस की दो टूक, वसुंधरा और सुषमा के इस्तीफे के बाद ही चलने देंगे संसद का सत्र। रेप केस की मध्यस्थता में सुप्रीम कोर्ट सख्त, कहा रेप केस में मध्यस्थता गैर कानूनी। ललित मोदी ने ईडी को भी दी चुनौती, ट्वीट कर कहा क्रिकेट दक्षिण अफ्रीका से करार को बीसीसीआई के 11 सदस्यों ने दी थी मंजूरी, ईडी में है दब, अरुण जेटली और राजीव शुक्ला को भी नोटिस भेजकर दिखाएं। कानून व्यवस्था को लेकर बीजेपी ने नीतीश सरकार पर साधा निशाना, छपरा में सुशील मोदी बोले जंगल राज से उब चुके हैं बिहार के लोग। दो जुलाई को खत्म हो सकता है अपना दल में अध्यक्ष पद का विवाद, अनुप्रिया पटेल ने 2 जुलाई को बुलाई महास्वाभिमान रैली, बोली तय करेगी जनता। अखिलेश यादव ने थपथपाई यूपी पुलिस की पीठ, कहा कानून व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए पूरी कोशिश कर रहा है महकमा। कानपुर में शिवसेना ने चिपकाया पोस्टर, लोकसभा चुनावों से पहले जनता से किए मोदी के वादों की दिलाई याद। यूपी के हरदोई में डीएम दफ्तर के बाहर किसानों का धरना प्रदर्शन, 4 महीने तक मुआवजे के इंतजार के बाद भड़का गुस्सा। कर्नाटक के बेलगाम में गन्ना किसानों का प्रदर्शन, सिद्धरामैया सरकार की नीतियों पर जताई नाराजगी। झारखंड के जमशेदपुर में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट, बीजेपी सांसद के समर्थकों पर आरोप। टीएमसी ने अपने 2 विधायकों को पार्टी से किया सस्पेंड, शीलभद्र दत्त और सियौली स्याहा पर पार्टी विरोधी गतिविधियों का आरोप। जेडीयू के महाबली बाहुबली विधायक आनंद सिंह को नहीं मिली राहत, दानापुर कोर्ट ने राजू रंजन अपहरण केस में खारिज की जमानत याचिका। आनंद सिंह पर कसे का शिकंजा, कस्टडी में लेने की तैयारी कर रही है पटना पुलिस, बाढ़ हत्याकांड में पुलिस ने बनाया है आरोपी। कुणाल घोष को कोलकाता पुलिस ने पत्रकारों से बात करने से रोका, पेशी के लिए गए टीएमसी के से निकाले गए सांसद। विवादों में फंसे जम्मू कश्मीर के स्वास्थ्य मंत्री लाल सिंह, महिला डॉक्टर के कॉलर पकड़ने का आरोप, सूबे के डॉक्टरों में जबरदस्त नाराजगी। चंडीगढ़ में बादल सरकार के खिलाफ
एनएसयूआई का जोरदार प्रदर्शन, भीड़ को काबू में करने के लिए पुलिस ने किया वाटर कैनन का इस्तेमाल। महाराष्ट्र के सीएम की वजह से 50 मिनट की देरी से उड़ा एयर इंडिया का विमान, अपने पुराना पासपोर्ट लेकर पहुंचे थे मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव। छत्तीसगढ़ के बस्तर में एनडीएमसी के खिलाफ बेरोजगार इंजीनियरों का मोर्चा, बाहरी राज्यों के उम्मीदवारों को मौका देने पर लेकर भड़का गुस्सा। बिहार के नालंदा केस में स्कूल डायरेक्टर के बेटे ने की सीबीआई जांच की मांग, भीड़ ने पीट पीट कर की देवेंद्र कुमार की हत्या। राज्य पिछड़ा आयोग के सदस्य गुलाब सिंह के बेटे पर पुलिस ने रखा 3,000 का इनाम, पीएमटी कांड में है आरोपी। व्यापम घोटाले के आरोपी की मौत को परिजनों ने बताया मर्डर, 30 अप्रैल को सामने आई थी विजय सिंह की मौत की खबर। व्यापम घोटाले के एक और आरोपी की मौत की बात आई सामने, श्योपुर में हुई थी महू के वेटनरी छात्र अमित सागर की मौत। व्यापम घोटाले को लेकर कांग्रेस ने शिवराज सरकार को घेरा, दिग्विजय सिंह बोले मैंने सुप्रीम कोर्ट से लगाई है जांच को मॉनिटर करने की गुहार। सुनंदा केस में बढ़ सकते हैं शशि थरूर की मुश्किलें, पूर्व केंद्रीय मंत्री का पॉलीग्राफ टेस्ट करा सकती है दिल्ली पुलिस। बॉम्बे हाईकोर्ट ने मैगी निर्यात की दी मंजूरी, नेस्ले ने भारत में प्रतिबंध के बाद विदेश में स्टॉक भेजने की मांगी थी इजाजत। त्रिपुरा हाईकोर्ट ने 32 साल पुराने एमएलए केस में सरकार को जारी किया नोटिस, कांग्रेस विधायक परिमल साह की हुई थी हत्या। आज तक के कैमरे में कैद हुई जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में आइसक्रीम फैक्ट्री की तस्वीरें, चीनी की जगह केमिकल का किया जा रहा था इस्तेमाल। असम के बक्सा में एनडीएफबी के 3 उग्रवादी गिरफ्तार, एक 56 समेत भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद। फौज की कोशिशों के बावजूद भारत म्यांमार सरहद पर जारी उग्रवादियों की ट्रेनिंग, आज तक के पास एक्सक्लूसिव वीडियो। मणिपुर पुलिस के डीजी का बड़ा खुलासा, म्यांमार की ट्रेनिंग कैंप से निकलकर पहाड़ी इलाकों में हमले को अंजाम दे सकते हैं उग्रवादी। आरा धमाके के आरोपी लंबू शर्मा ने आरोपों से किया इनकार, जांच के दौरान बाहुबली विधायक सुनील पांडे का लिया नाम। हिमाचल में बिलासपुर के घर में रहस्यमय आग, 25 जून को दीवार पर लिखकर दी गई थी घर छोड़ने की धमकी। यूपी के मैनपुरी में बड़ा हादसा, नदी में डूबकर 3 बच्चों की मौत, नहाने गया था पूरा परिवार। बिहार के अररिया में मिड डे मील ने ढाया कहर, खाना खाकर 80 से ज्यादा बच्चे पहुंचे अस्पताल। इलाहाबाद में अपराधियों के हौसले बुलंद, जूते के पैसे मांगने पर दुकानदार भाइयों को मारी गोली, सीसीटीवी में कैद हुई पूरी वारदात। यूपी के मऊ में गैस सिलेंडर फटने से भीषण आग, 4 की मौत, 4 घायल, वाराणसी के लिए रेफर कर दिया गया। दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर की 5वीं मंजिल पर आग से मचा हड़कंप, 5 दमकल गाड़ियों ने आधे घंटे तक की मशक्कत की। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एलआईसी ऑफिस में भीषण आग, दफ्तर में रखे दस्तावेज जलकर खाक। पश्चिम बंगाल के मालदा में बलात्कार की पीड़ित ने की खुदकुशी, ग्राम सभा ने आरोपी को 4,000 जुर्माने के बदले किया था आजाद, पुलिस ने किया गिरफ्तार। दिल्ली के ग्रेटर कैलाश में एक घर से करीब 2.5 करोड़ की लूट, बीमार मां को देखने बाहर गई थी घर की मालकिन। राजस्थान के जालौर में एंटी करप्शन ब्यूरो की बड़ी कार्रवाई, जिला रसद अधिकारी को 1,35,000 रुपए घूस लेते रंगे हाथों दबोचा। सीसीटीवी और व्हाट्सएप की मदद से दिल्ली पुलिस ने बाइक चोरों को दबोचा, पिछले एक महीने में बड़े बाजारों में उड़ाई करीब 1.5 दर्जन बाइक। यूपी के बांदा में नाबालिग बच्ची से बलात्कार, टीवी दिखाने के बहाने बेटी की सहेली से किया रेप, फरार है आरोपी। यूपी के बिजनौर में छोटी सी बात पर रोडवेज कर्मचारियों ने बाइक सवारों को चप्पल से पीटा, काफी देर तक बंधन भी बनाया। कालीकट के विमेंस मुस्लिम विमेंस कॉलेज के ने जींस और टॉप पर लगाई पाबंदी, 8 जुलाई से लागू होगा फरमान। यूपी के मुजफ्फरनगर में रसायन मिले पानी में से दहशत, गांव वालों का आरोप कैंसर का शिकार हो रहे लोग। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में सांपों के जहर के साथ धरे गए 6 तस्कर, बाजार में करीब 100 करोड़ रुपए कीमत। मध्य प्रदेश के शहडोल से पकड़ा गया है गोधरा कांड का एक आरोपी, गुजरात एटीएस ने दबोचा। दिल्ली के पश्चिम विहार में दिन दहाड़े 90 लाख की लूट, सेंट्रल सवार लुटेरों ने बैंक जा रहे कर्मचारियों को बना निशाना।
माँ बाप ने नवजात बच्चे को रांची के रिम्स परिसर में लावारिस छोड़ा, आवारा कुत्तों ने बच्चे पर किया हमला, सरकार ने दिए जांच के आदेश। धनबाद से टाटनगर आने वाली स्वर्णरेखा एक्सप्रेस में बाथरूम में मिली एक नवजात बच्ची, रेलवे प्रशासन ने अस्पताल में कराया भर्ती। दिल्ली से सटे गुड़गांव में नग्न अवस्था में मिली महिला की लाश, बोरी में बंधा शव। यूपी के शाहजहांपुर में बाइक सवारों ने की छात्रा के अपहरण की कोशिश, लड़की के शोर मचाने पर फरार हुए बदमाश। यूपी के बागपत में एक साइबर कैफे में 11वीं की छात्रा से गैंग रेप, कैफे का संचालक गिरफ्तार, दूसरा आरोपी फरार। अमृतसर में पोलैंड की एक लड़की ने बॉयफ्रेंड के खिलाफ दर्ज कराया केस, बॉयफ्रेंड ने किसी दूसरी लड़की से की शादी। मेरठ में एक युवक की बेरहमी से पिटाई, चोर बताकर भीड़ ने जमकर पीटा, मौके से नदार थी पुलिस। यूपी के बदायूं में नाबालिग के साथ बलात्कार, मेडिकल टेस्ट के दौरान प्राइवेट पार्ट से मिले बोतल के ठक्कर। तमिलनाडु के सलेम में ऊंची जाति की लड़की से बात करने के आरोप में एक दलित इंजीनियर की हत्या, वीडियो सामने आने के बाद मचा बवाल। यूपी के मुजफ्फरनगर में एक शख्स की हत्या के बाद जमकर हंगामा, शव के साथ प्रदर्शन कर रहे ग्रामीणों पर पुलिस ने किया लाठीचार्ज। अमृतसर में एक प्रॉपर्टी डीलर की गोली मारकर हत्या, पुलिस को हत्यारों का अब तक नहीं मिला कोई सुराग। पंजाब के गुरदासपुर में शोभा यात्रा के दौरान फायरिंग में 7 बच्चे घायल, घायलों में 2 की हालत नाजुक। आगरा में हुए डबल मर्डर की पुलिस ने सुलझाई गुत्थी, वकील प्रवीण गुलाटी की पत्नी और उनकी बेटी का रिश्तेदार निकला हत्यारा। मथुरा में अपनी प्रेमिका से मिलने पहुंचे प्रेमी की उसके घर वालों ने की जमकर पिटाई, सिर मुंडवाकर पूरे गांव में घुमाया। अमरनाथ यात्रा को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम, जम्मू के यात्री निवास में की गई मॉक एक्सरसाइज। अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा में लगाए गए हैं सेना और अर्धसैनिक बलों के जवान, रास्ते में कई जगहों पर बनाए गए हैं चेकिंग पॉइंट। जम्मू कश्मीर के सीएम ने लिया अमरनाथ यात्रा की तैयारियों का जायजा, 2 जुलाई को रवाना होगा श्रद्धालुओं का पहला जत्था। केंद्रीय गृह सचिव ने लिया अमरनाथ यात्रा की तैयारियों और सुरक्षा इंतजामों की जानकारी, श्रीनगर में मुख्यमंत्री मुफ्ती सईद के साथ की बैठक। 1 जुलाई को श्रीनगर जाएंगे केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह, अमरनाथ यात्रा की तैयारियों का लेंगे जायजा। जम्मू के जमा में जमा होने लगे बाबा अमरनाथ के श्रद्धालु, सुबह 5 बजे बालटाल के लिए रवाना होगा पहला जत्था। 17 अगस्त से शुरू होगी अमरनाथ यात्रा, पुंछ जिले के मंडी तहसील में लगता है श्रद्धालुओं का जमावड़ा। जोशीमठ में भारी बारिश और कुहासा, फिर से रोकी गई बद्रीनाथ और हेमकुंड साहब की यात्रा। उत्तराखंड के पहाड़ों में भारी बारिश का कहर, बद्रीनाथ हाईवे पर हनुमान चट्टी के पास भूस्खलन, पहाड़ों पर भारी बारिश से हरिद्वार में छाई मायूसी, चार धाम यात्रा पर लगे ब्रेक की वजह से पर्यटन कारोबार को लगा धक्का। पूर्वी यूपी के कई इलाकों में मूसलाधार बारिश, बाराबंकी में बड़ा घाघरा का जलस्तर, असम के तेजपुर में ब्रह्मपुत्र पर बने पुल को पार करता दिखा एक जंगली हाथी, करीब 2 घंटे तक हाईवे पर उकरा ट्रैफिक। मानसून की पहली बारिश में पानी पानी हुआ हरियाणा का जिंद, नरवाना में पुलिस थाना भी हुआ जलमग्न। मानसून आते ही केरल में बढ़ जाती है वी सुरेश की मांग, अब तक पकड़ चुके हैं करीब 50,000 सांप। गुजरात के अमरेली में फिर मिली 4 शेरों की लाश, अब तक 12 शेरों की जान ले चुकी है बाढ़। पूर्वी भारत और गुजरात में बाढ़ को देखते हुए उत्तरी भारत में सेना का अलर्ट, हरियाणा के यमुनानगर में बाढ़ संभावितों क्षेत्रों में दौरे में जुटे जवान और अधिकारी। हिमाचल प्रदेश में शुरू हुआ सेब का सीजन, शिमला के फल मंडी पहुंची पहली खाई। सूरत में युवकों ने शुरू किया तापी नदी के सफाई अभियान, सोशल मीडिया पर चलाई जा रही है मुहिम। कानपुर में 5वीं के छात्र ने किया एलियन और उड़न तश्तरी के फोटो खींचने का दावा, बादलों का फोटो खींचते वक्त मोबाइल में कैद हुई तस्वीरें। पुणे के चुनार के रिहायशी इलाकों में तेंदुए का आतंक, पिछले 2 महीने में पकड़े जा चुके हैं 10 तेंदुए। दिल्ली में सराय काले खां के पास पुलिस ने लगाया ट्रैफिक मेला, स्कूली बच्चों को पढ़ाया गया ट्रैफिक नियमों का पाठ। यूपी के बलिया में लोगों ने छेड़ी देसी तकनीक से फिल्टर बनाने की मुहिम, आर्सेनिक मिले पानी से परेशान है गांव वाले। भोपाल में 70 लाख की लागत से बने सरकारी जिम की मची धूम,
मुस्लिम महिलाओं के लिए किए गए हैं खास इंतजाम। रमजान के महीने में सूरत में होता है अनूठे मेले का आयोजन, आपसी भाईचारा बढ़ाने के लिए मुसलमानों के साथ हिंदू भी होते हैं शरीक। मुंबई में क्रिकेट खिलाड़ी अजिंक्य रहाणे का सम्मान, जिम्बाब्वे सीरीज के लिए बनाए गए हैं कप्तान।